नाज़रीन, कराची के मौसम की बात हो रही है तो आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। इस वक्त शहर कायद का मौसम कैसा है जानते हैं अपने नुमाइंदे शमील अहमद गौरी से। जी शमील, बताइएगा कैसा मौसम है कराची का? देखिए, कराची में मौसम जो है खासे दिनों बाद खासा खुशगवार नजर आ रहा है। गुज़िश्ता शब जो है तकरीबन रात 11 बजे हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि ताहाल जारी है। और महकमे मौसमियात का कहना है कि अगले 24 घंटे तक यही मौसम जो है बरकरार रहेगा, लेकिन तेज़ बारिश का इम्कान नहीं है। हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला कराची भर में इस वक्त जारी है और इस मौसम का जो इस वक्त है अल्लाह ताला की रहमत है, लेकिन जो नुकसान हमें नज़र आ रहा है वो शाहराहों पे जो पानी की वजह से सीलन या फिसलन का सिलसिला जो शुरू हुआ है, इसमें अब तक के तकरीबन 20 से ज़्यादा अफराद जो है रिपोर्ट हो चुकी है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, जो कि हादसात पे जख्मी होकर अस्पताल पहुँचे हैं। जी शमील, कराची का मौसम जो कि अक्सर खून आलूद रहता है, आज अब्र आलूद है, शहरी किस तरह के तासुरात का इजहार कर रहे हैं? देखिए, कराची में जिस तरह अभी आपने भी तस्करा किया, ये खून आलूद ही मौसम रहता है कराची, और गुज़िश्ता कई अरसे से ये सिलसिला जा रही है। लेकिन कराची में हम ये भी देखते हैं कि जिस वक्त मौसम खुशगवार होता है, कोई तब्दीली होती है, तो उससे भी बहुत महसूस होते हैं यहाँ के अवाम, और यही हमें आज भी नजर आ रहा है कि कल जब ये सिलसिला शुरू हुआ था उस वक्त भी एक बड़ी तादाद शहरियों की जो थी वो उन्होंने साहिल समंदर का रुख किया था, और कल रात भी हमें साहिल समंदर में हाजा रश इस हवाले से नजर आया कि मौसम की तब्दीली से लोग किस तरह महसूस हो रहे थे। और आज भी लगता यही है कि जिस वक्त लोगों के अपने आज मामूलात जिंदगी जिस वक्त शुरू होंगे, उस वक्त आज भी हमें जो पिकनिक प्लेसेस है वहाँ पर भी खासा रश नजर आएगा। जी और शमील, हमें ये बताएगा, जैसे आपने बताया कि पिकनिक प्लेसेस पर रश नजर आएगा, आज हफ्ता है, अक्सर जगहों पर हफ्ते की भी छुट्टी होती है, तो इस वजह से जो ये पब्लिक प्लेसेस है, पिकनिक प्लेसेस हैं, इनमें ज्यादा रश होगा या है ना, दिख रहे हैं आप? देखिए, कराची के मौसम हमने ये देखा कि चाहे वर्किंग डे हो या आम कोई काम का दिन हो या उसके अलावा कोई आम तातील हो, कराची का जो साहिली इलाके हैं वहाँ हमेशा जब मौसम की तब्दीली होती है उसका असर जो है यहाँ नज़र आता है, और लोगों की एक बड़ी ज़्यादा सैले समंदर का रुख कर दी है, चाहे वो सी व्यू हो, हुआ वो गिडानी का इलाका हो या वो हौजबे का इलाका, हौजबे का साहिल हो। कराची की आवाम इस मौसम से जो है वो लुत्फानंदोज़ होते हैं। उसके अलावा जो दीगर प्लेसेस हैं जिसमें सफारी पार्क, मज़ार कायद, कराची जू, ये नुमाया वो मुकाम है जहाँ पे कराची के शहरियों की एक बड़ी तादाद मौसम से लुत्फानंदोज़ होने के लिए मौजूद होती है, जबकि मंचलों की जो मोटरसाइकिल राइडिंग है वो भी हमें बड़ी तादाद में नज़र आती है। और कल रात जिस तरह मैंने आपको बताया कि साहिल समंदर का रुख किया शहरियों ने, तो हमें जो मंचलों के जो ग्रुप थे वो भी कराची की शाहराहों पर राइडिंग करते हुए नजर आए। जी जी बहुत शुक्रिया शमील अहमद गौरी, हमें कराची से अपडेट कर रहे थे।